दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। पिपलिया मंडी के टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा महोत्सव के तहत 7 दिनी आयोजन होंगे। कथा महोत्सव समिति संरक्षक रामलाल राठौर, संयोजक मान सिंह माछोपुरिया, अध्यक्ष कचरमल राठौर, सह संयोजक ओम प्रकाश गहलोत, पिपलिया पत्रकार हितार्थ व सामाजिक कल्याण समिति अध्यक्ष मनोहर काबरा, उपाध्यक्ष जगदीश पंडित, कोषाध्यक्ष प्रकाश बंसल, सचिव हरीश गुप्ता, सह सचिव जेपी तेलकार, सदस्य राजेश फरकिया व शंभू मेघ ने बताया कि 10 से 16 मई तक कथा होगी। कथा के दौरान अभिमंत्रित रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण होगा। कथा शुभारंभ पर प्रातः 10 बजे स्टेशन बालाजी मंदिर से कलश यात्रा निकली, जो कथा स्थल टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा से नागरिकों ने स्वागत किया। 11 मई को भस्म व रुद्राक्ष महिमा, 12 मई को सती चरित्र, 13 को शिव विवाह, 14 को भगवान गणेश का जन्मोत्सव, 15 को शिवलीला, 16 को द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा पर कथा होगी। आज पिपलिया मंडी श्री टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर पर 7 दिवसीय कथा का आयोजन पिपलिया पत्रकार हितार समिति एवं सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री टीलाखेड़ा बालाजी कथा उत्सव समिति के सहयोग से इस 7 दिवसीय कथा में श्री श्री पंडित बलराम जी शास्त्री के मुखारविंद से 7 दिवसीय महाशिवपुराण कथा का आयोजन होगा। धर्म की गंगा प्रवाहित होगी। मैं नगर की अंचल की समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस धर्म के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म का लाभ लें। पत्रकार हितार्थ समिति द्वारा आज 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर महाशिव पुराण कथा का। आज कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई है जो गांधी चौराहे से टीलाखेड़ा बालाजी पहुँची है। यहाँ 7 दिवसीय महाशिव पुराण कथा का आयोजन होगा। पंडित बलराम शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा।